गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सबक एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही सारी बातें की गई हैं। अभी मॉरिशस के साथ हमारा सागर इनिशिएटिव जो है सो अच्छा वर्क करे, इसके बारे में बात की गई है और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देश देशांतर का आर्टिकल, द बिग पिक्चर का आर्टिकल, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। इन डेप्थ का जो एक आर्टिकल आया है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी इन डेप्थ के अंदर जो बात की गई है वो ट्रेन के बारे में बात की गई है, और द बिग पिक्चर के अंदर जो बात की गई है वो द बिग पिक्चर के अंदर एक बहुत पुराना किस्सा है निज़ाम ऑफ हैदराबाद का। तो इम्पोर्टेंट होता है प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी, इन दोनों को ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज हमारे पास जो है वो ब्रिटिश हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। आखिर ब्रिटिश हाई कोर्ट का अभी वापस से ये सुर्खियों में क्यों है, ये न्यूज में क्यों है, इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि धन के बारे में है। यहाँ पर अपना भारत बना था, तो आपको पता है कि ये हैदराबाद है और ये आनाकानी कर रहा था, इस जगह पर होगा हैदराबाद, ये आनाकानी कर रहा था भारत में नहीं मिले। तो यहां पर हुआ क्या था, धन पर सातवें निजाम का अधिकार। असल में जब 1947 के आसपास जब ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो चला करके हमने इसको एनेक्सेशन किया था, हमने भारत में मिलाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें आप कह सकते हो। लेकिन हैदराबाद के जो उस समय के निजाम थे उनको बिना बताए उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए यूके के, मतलब ब्रिटेन में, ब्रिटेन के अकाउंट में, इसके अकाउंट में, पाकिस्तान का एक उच्चायुक्त था इसके अकाउंट में, मतलब समझे आप, फिर से बता रहा हूं, जो हैदराबाद निजाम का पैसा था, मतलब हैदराबाद का पैसा था, वो उसका फाइनेंस मिनिस्टर था कोई उस टाइम, उसने पैसे को जो है सो यूके के, मतलब ब्रिटेन के अकाउंट में डाल दिया, मतलब ये पाकिस्तान का एक बंदा था उसके नाम पे। अब इसकी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, इसको हमने जीता है। 300-350 करोड़ के आसपास का रुपया है हमारे भारत में बटेगा निजाम के वारिस के बीच और भारत सरकार के बीच, यही बात है। तो इसको और थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पाकिस्तान की दलील क्या थी, ये केस चल रहा था कि रकम, हथियार और मदद की एवज में हस्तांतरित, मतलब पाकिस्तान जो है सो हैदराबाद को मदद करता था, उसके एवज में ये हैदराबाद ने हमको दिया था, भारत के हाथ में रकम जाने से बचाने के लिए हस्तांतरित कर दिया कि भारत में नहीं चला जाए, उसको बचाने के लिए इन्होंने यहां कर दिया। 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय गैर कानूनी है, ऐसा पाकिस्तान कहता है। रकम पर भारत और सातवें निजाम के उत्तराधिकार का, सातवां जो निजाम अभी चल रहा है उसका दावा गलत है। कोर्ट ने पाकिस्तान के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया, मतलब रॉयल कोर्ट ऑफ ब्रिटिश उन्होंने, और भारत को एक जीत मिली है। हालांकि भारत के लिए 350 करोड़ का रकम कोई बड़ा रकम नहीं होता है, लेकिन ये प्रेस्टीज की बात, प्राइड की बात जरूर होती है। भारत के अलग अलग रियासतों का विलय हुआ, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, यही बातें थी, ये बसी सब बातें आप जानते हो। निजाम मीर उस्मान नाम है इसका, निजाम और निजाम मीर उस्मान अली, ये हैदराबाद को आजाद मुल्क बनाना चाहते थे, ये हैदराबाद को आजाद मुल्क बनाना चाहते थे, पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहते थे। निजाम के वित्त मंत्री थे उच्चायुक्त, निजाम के वित्त मंत्री ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को पैसा जमा कर दिया। ये जो पाकिस्तान का जो बंदा था उच्चायुक्त था उसका नाम था इब्राहिम रहीमतुल्ला, ये इब्राहिम रहीमतुल्ला के नाम पे ब्रिटिश के अकाउंट में पैसा जमा हो गया, ये फैक्ट है, ये जानने वाली बात है। हालांकि आपको हिंदू में भी आर्टिकल मिलेगा, हर जगह ये आर्टिकल मिलेगा, इंपोर्टेंट भी होता है प्रीलिम्स के हिसाब से, फिर से कह रहा हूँ, मेंस के हिसाब से भी, इंटरव्यू के हिसाब से ही बनता है। तो पाकिस्तान एक्चुअल में 1954 में यहाँ पर मामला जाता है लंदन के कोर्ट में, तो फैसला पाकिस्तान के पक्ष में इस समय चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे निजाम ऑफ कोर्ट्स को अपील में जाना पड़ा, मतलब निजाम ऑफ कोर्ट्स अपील में चला गया, यहाँ पर निजाम की जीत हो चुकी है। पाकिस्तान यूके उच्चतम न्यायालय पहुंचा पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने संप्रभु राष्ट्र होने की दलील दी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फैसला पाकिस्तान के पक्ष में सुनाया था उस टाइम। 10 लाख पाउंड की राशि को, मतलब असल में पैसे को तो यूके ने फ्रीज करके रखा था, अभी ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होगा। असल में 1960 में क्या हुआ था कि निजाम ने, जो निजाम थे अपने हैदराबाद के, उनका अपने राष्ट्रपति के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ था कि ये पैसा हम दोनों में बटेगा, मतलब भारत सरकार में और निजाम के बीच। हालांकि ये बातें कॉन्फिडेंशियल हैं, यही बातें इसके अंदर कही जाती हैं, बाकी और भी बातें सारी मिलेंगी।
तो निजाम के वंशज के बीच और भारत के वंशज के भारत के भारत सरकार के बीच ये पैसा बटेगा। यही बातें, यही कंटेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पोलो वगैरह आपको पता ही है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल ट्रेन के बारे में बताया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात हो या इंडिया का फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन की बात हो, T18, ये T18 जो हमारा चल रहा है, या फिर बेटर कंफर्ट एंड सेफ्टी की बात हो, और नेक्स्ट CCTV वगैरह लगा, मतलब हाई टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, हाइपर लूप ट्रेन भी बनाने की बात हो रही है, मतलब कहने का चाहे हमारा बुलेट ट्रेन बनाने की बात हो रही है, तो ये सारी बातें इसके अंदर कही गई हैं। ट्रेन 20 अभी बन रहा है और 20 मिलियन पीपुल जो है सो सफ़र करते थे जब शुरुआत हुआ था, और ये 1837 में फर्स्ट रेल कैरिड बिल्डिंग मटेरियल पर्पस 1837 में पहला ट्रेन ब्रिटिश ने चलाया था। और एक और बात करूँ इसके अंदर, तो एक सेकेंड मैं मिटा लूँ जरा, 1832 फर्स्ट रेलवे प्रपोजल मेड दिया गया, और 1837 में जो अभी कहा ये पहला रेल चला, और धीरे धीरे यह बढ़ता चला गया, और 1845 में ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल को लेकर के भी चलना शुरू कर दिया। और आप लोगों को तो पता है फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चला भारत में, 1853 ये जो है बॉम्बे टू थाने के बीच चलता है। ये बातें तो अक्सर आप लोग पढ़ते हो, बोरी बंदर स्टेशन से बॉम्बे, स्टार्टेड फ्रॉम बोरी बंदर स्टेशन इन बॉम्बे। बोरी बंदर आपको याद रखना है, अगर कहीं कुछ आपको कुछ इंटरव्यू वगैरह में या फिर कहीं भी आप कोई एग्जाम दो, इतना तो इतिहास हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट और बात करें इसके अंदर, तो धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई गई, बढ़ाते बढ़ाते नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, तो 6 जोन में हमारे आज़ादी के समय इसको बांटा गया। अभी 9 जोन के आसपास हमारा रेलवे चल रहा है। 1925 में रेल बजट अलग से पेश किया गया, आपको पता है, और अभी 2-3 साल पहले कब, आपको पता है कब हुआ था, कब अलग किया गया था, तो ये भी पता है। अब रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाता है, साथ में ही किया जाता है। ये एक वर्ष कमेटी था क्या? हाँ, यस, एक वर्ष कमेटी ही था, अगर हम आपको याद आ रहा हो तो, यहीं से एक वर्ष कमेटी के थ्रू रेल बजट आम बजट को अलग अलग किया गया था। तो ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती है। मेट्रो रेल जो सबसे पहला चलाया गया था वो 1984 कोलकाता में, ये तो आपको पता ही है। अभी हमारे भारत में गतिमान एक्सप्रेस सबसे एक्सप्रेस फास्ट चलती है 160 किलोमीटर/आवर के आसपास, ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। तो आज के न्यूज में इतना ही था। थैंक यू।